किसान भाइयों, मैं आज नेडू गांव में हूं और यहां हमारे भाई हैं। देखो, देखने में तो सूंठ मैं है, लेकिन ये खुद गन्ने की बंधाई करते हैं। मैं इनसे परिचय कराता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया दाऊ जी, थोड़ा सा अपना परिचय दो आप। मेरा नाम मनीष धामा, पिताजी का नाम श्री महेश चंद उर्फ लेलू, गांव नेडू, जिला मेरठ। चेहरा इतना साफ सा कर रखा, इंक कैसे बांध लो तुम? बस जी, आप लोगों का चैनल देख देख के अपना थोड़ी सी मेहनत कर ले, किसान के बच्चे हैं। तो जॉब भी कर रहे हो? हाँ जी, जॉब भी कर रहे हैं, यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में, तो जब छुट्टी आते हो तो ये काम करते हैं? छुट्टियां में जब अपना थोड़ा बहुत काम कर। तो ये इतनी बधाई कैसे करी तुमने, इतना ऊंचा कर दिया? कब का बोया हुआ गन्ना है ये ताऊ जी? 10 अप्रैल का गन्ना बोया हुआ, गेहूं के बाद का। गेहूं से पहला पहला थोड़ा भगवान से थोड़ा। और इस गन्ने में बंधाई जो है 7-8 बंधाई हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी, 7-8। 7-8 आप देख लो, बंधाई जो है आपको मैं दिखा दूँ। बिल्कुल है, हाइट 6 फुट है और जोड़ मेरा हाथ जो है 8 फुट का हो जा। हाँ, और 8 फुट से ऊपर जोड़ जा रहा है। तो 12 फुट तो गन्ना हो गया इस टाइम इसमें। हाँ, इसमें और अभी 14 फुट के आसपास गन्ना है, अभी और बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी हाइट है और गन्ना तुम्हारे सिर से डबल हो गया। हाँ जी, सिर 6 फुट की हाइट है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्योंकि अब तो जनवरी है, अभी जनवरी है, ये मार्च में गिरेगा, मार्च में गिरेगा, तो ये तो और बढ़ेगा, 3 फुट और बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये और एक खासियत और है गन्ने की। अच्छा, गन्ने की कोई खुदाई नहीं करी, कोई जुताई नहीं करी। अच्छा अच्छा, दूरी क्या इसकी? खुद से इसकी 28 सेंटीमीटर है जी। 28 इंच पे। बीज कौन सा आयो? बीज 38 है। अच्छा, और गन्ने की लंबाई काफी हो रही है, आप देख लो इसकी लंबाई जो है। बिल्कुल, तुमने तो गिरने दिया एक बार भी हो। हाँ जी, गिरानी 7-7 बार बज रहा, देख लो आप गन्ने की लंबाई जो है, आप देख लो इसमें। बिल्कुल देख लो, ऐसे नहीं, बस अंदर ही आ रहा हूँ, अंदर भी है। चलो अंदर ही देखते हैं। चलो आ जाओ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। गन्ने की कोई खुदाई नहीं, कोई जुताई नहीं, इस बार रोग ज्यादा है गन्ने में। लेकिन थारे में तो रोग है ही नहीं। हाँ, रोग हमने देखो इस साइड में ना, ये पड़ोसियों का है। तो ये तुमने क्या डाला इसमें, जो बताओ किसान भाइयों को, तुमने क्या चीज लगाई इसमें जो ऐसा? भाइयों, हमें अपनी जमीन को जो है फसल चक्र से सुधार करना है, जमीन का ट्रीटमेंट करना, सोयल ट्रीटमेंट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैदावार हमें इससे लेनी है, ये धरती माता है, यही देगी हमें पैदावार। कायदे की बात है। और हम जिसे जितना इसे सुधार कर लेंगे, ट्रीटमेंट फसल चक्र हम जितना अपनाओगे, उतना ही हमें ये बेनिफिट देगी, तो उतनी पैदावार देगी। इसमें आपने क्या क्या तैयारी करी थी? इसकी तैयारी करने के लिए हमने पहले इसमें मुंजी लगाई थी। अच्छा, मुंजी गेहूँ के बाद न्यार लगाया, न्यार के बाद मुंजी दी, मुंजी के बाद सरसों, तीन फसल दे दी इसने। 25 मार्च को हमारी सरसों कटी, सरसों के बाद हमने इसमें 10 अप्रैल को गन्ना बो दिया। गन्ना बो दिया। गन्ना बोने से पहले इसकी हमें तैयारी जो है, हमें सोयल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, ट्राइकोडर्मा डाला। अच्छा, फिर गन्ने पे आप सबको पता, सभी किसान लगा रहे फिप्रोनिल, थाइमोक्स, डाई भी सभी लगा रहे, खाद सभी लगा, लेकिन सही मात्रा में और सही समय पर, गैप। बिल्कुल बिल्कुल, गैप बहुत जरूरी है। और जो है गन्ने ने खेत ने जवाब दिया और गन्ना आपके सामने खड़ा। बिल्कुल सामने खड़ा है। तो कितना बड़ा खेत है ये? 30 बीघे का खेत है, आप देख रहे होंगे इधर से इधर। हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा चक है। और गन्ने की लंबाई भी आप देख रहे हैं, 14-15 फुट गन्ने की लंबाई ताऊ जी आप हो रही है फिलहाल। बिल्कुल होगी। और ये है कि गन्ने की मोटाई नहीं, गन्ने की मोटाई बहुत है, नहीं अच्छी है, जैसे 28 इंच पे बहुत अच्छा गन्ना है। बहुत अच्छा गन्ना, मेरे ख्याल में 100+ जगह है। हाँ, हमारे यहाँ 5 बिस्सा है, छोटा है हमारा बिस्सा। जैसा आप लोग, जैसा और भी लोग आ रहे हैं यहाँ, बता रहे कि लगभग 100 से तो नहीं, पर हाँ 80+ जाएगा। हाँ 80+ जाएगा, बीघा छोटा है उसी हिसाब से। देख लो आप ताऊ जी, अंदर भी दिखा, यानी कि हमने दोबारा बांध रखा, अंदर भी है, अंदर भी देख लो आप, बैठे देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी लंबाई। और खेत को देख लो, बिल्कुल बिल्कुल 28 इंच का खेत है, बहुत ही बढ़िया। पर ये है, इसका जोड़ नहीं, बीज का जोड़ नहीं है अभी, 38 कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। हाँ जी, बहुत और बीज बहुत आ गए, लेकिन वो बात नहीं, मैडा है। और पोरी ऐसा नहीं, गन्ना बारीक है, नहीं बहुत बढ़िया, देखो मोटाई भी अच्छी है, जैसे 28 इंच पे कोई ऐसा मोना भी नहीं, बहुत अच्छी मोटाई है, बहुत लंबा बेला बढ़ रहा है, बेला बढ़ रहा है, बेला। ये सारा ही मेड़ लगवाना पड़ेगा आपको? मेड़ लगवाना बंद रहे, आज से कल से बनाई करवाई इसकी, अभी तो गिर जाएगा, रुकेगा नहीं। और सफाई पड़ी खेत में देख लो आप, कोई नहीं है। ये भी आपको ना मैं बताऊँ जी,
अगर आप मार्च में डाल दो हाँ जी, मार्च ठीक में है, अगर अप्रैल पकड़ लिया ना है तो फिर एक बार सीढ़ी लगा कर बांधना पड़ेगा। हाँ सीढ़ी से बांधना पड़ेगा, और गन्ने में कोई ऐसा नहीं कि कहीं भी देख लो आप, गन्ने की मोटाई बहुत बढ़िया है। जब आप जरा गन्ना तो हर साल ही ऐसा होता है आपके हुआ? हम लगातार पिछले 5 वर्षों से आपका चैनल लेके, आप लोगों से सहयोग लेके, आपसे बातचीत करके, और भाई हैं पुष्पेंद्र भाई हैं, हाँ, अजमत जोला है, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। हाँ देखो एक दूसरे को सहयोग, किसानों को एक दूसरे को मतलब हेल्प करनी चाहिए जी, और जानकारी सही देनी चाहिए ताकि दूसरा भाई भी फायदा उठा ले। देखो हम कह लगे कि बेलागत का है, बेलागत का तो है नहीं जी, लागत तो लगी, हमने इसमें लागत लगा रखी है, लागत भी पर सीमित और समय अनुसार। बिल्कुल सही बात है। अब गन्ने की लंबाई है, खेत दूसरा चल गया 10 बीघा खेत। अच्छा ये दूसरा है, और देख लो आप 6 फुट मेरी हाइट है, मैं एक फोटो लेता हूँ, 6 फुट हाइट है वो गन्ने की। आप गन्ने का हाल देख लो, भाइयों ये दूसरा चका गया, इधर है ही नहीं कहीं, एक तो इधर खेत हो गया और ये इधर है, सारा चक चारों चूड़ बराबर है, खंबे जैसी ऊंचाई हो रही है। चमक रहा है। आपको कैसा लगा गन्ना? गजब, अगर असोजी बो देते ना यो नहीं रुकता थारे पे, यो रुके नहीं देता जी, हमने 7 बार तो बांध दिया। बिल्कुल नहीं रुकता, असोजी में ये दिक्कत है, एकदम फैक्ट्री ले नहीं पाती और वो मार्च तक फिर थमता नहीं। और गन्ने की हाइट, इसकी खंबे की हाइट 24 फुट है, खंबे को छूने वाला आप देखो, ये पत्ते पहुंच जाएंगे वहां से कुछ दिन, मार्च में पहुंच जाएंगे, मार्च में गन्ने को छू, अगर आपने ना गिरन दिया ना तो पत्ते हट जाएंगे इसमें। कोशिश तो ये रहेगी ताऊ जी की, ना गिरन दे, बहुत बढ़िया। खेत को देख लो वहां तक ही किलो वाट बता रहे थे आप? हाँ वो पूरा ही है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा। चलो भाइयों देखिए बिजली के तारों में ईख अड़ने लगा, सारा चक ये 30 बीघे है जी, 30 का 30 एक साइज का भाइयों, किसी का तो कम 1-2 बीघे लगा है जी, बढ़िया था हमारा, अब तो इस बार सही लगा, अच्छा है गन्ना, ये देख लो भाइयों। वो 6 बार बंद कर ढागी थी और अलग पलट हो गई थी, ये का पूरी 400 पर लिकट रही जो हमारा, बिल्कुल लिकट रही, ये पौधा है जी, कितने बीघे सारा? 70 बीघे एक ही जगह जी, इधर रोड से इधर तो हमारे ताऊ जी का हो गया जी, और इधर हम हो गए इसमें। तो आप बड़े भाई उनके? मैं इनका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई, क्या नाम आपका परिचय? मेरा नाम प्रवेश कुमार, पहले तो ताऊ जी आपका बड़ा स्वागत है हमारे गाँव नाडू में, धन्यवाद, और दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन है। और रही बात गन्ने की, गन्ना इस बार अच्छा है, अच्छा है, जिसने करा है उसके पास है, और जिसने नहीं कर पाया तो उनको रोग लगे, और फसल चक्र अपनाया इस बार हमने, हाँ तो उससे गन्ना हमारे पास ठीक है करने वाले की दुआ से। ये भाइयों देखिए 30 बीघे चक है, बाकी तो 70 बीघे गन्ना है इनका, लेकिन ये पौधा है 30 का 30 बीघे, कितना सुंदर संभाल कर रखा है भाइयों ने। एक चक और है हमारे पास, वो जो है ताऊ जी आप वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ भी गारा है, चलो फिर आऊंगे दोबारा, तो उसमें दोबारा आपकी विजिट होगी, वो इससे भी 21 गन्ना खड़ा, बहुत बढ़िया, और वो एक बार ना जूता ना खुदा, वो भी बहुत बढ़िया, उसमें मट्टी भी नहीं चढ़ी। तो भाइयों ये आपको गन्ना जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक करना और शेयर जरूर कर देना ताकि और किसान भाई भी लाभ उठा सके।